एलिमेंट्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी, उसमें पाठ 8 राजा का हिस्सा, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। राजा का हिस्सा मतलब कि राजा नो भाग। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। क्या कहानी के अंदर एक प्रजावत्सल मतलब कि प्रजा प्रेमी राजा नो वर्णन है। कहानी को देखते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज होता ये खूब प्रजा प्रेमी होता। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। कि राजा हता ही खुद के राज्य में फरी फरी अने जे प्रजा एटले के लोग छे इनी कठिनाइयां एटले के तेना दुख छे ई जोवे अने तेनाथी जेटलू थाय एटलू ते दूर करता हता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। के एक दिवस राजा छे ये तेनी रानी साथे रथ ऊपर बेसी अने राज्य फरवा माटे निकले। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। के राजा अने रानी छे ई पोतानी राजधानी थी खूब दूर निकली गया हता। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। के रस्ता में तेने जोयो तो एक खेतर में एक खेडूत छे ई हल खींची रह्यो छे, मगर उसके हल में एक ही बैल है तो परंतु तेना हल में एक ज बड़द छे। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। के बीजा बड़द ना स्थान पर तेनी स्त्री छे मतलब के तेनी पत्नी छे ए हल खींची रही छे। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा के राजा भोज हता एने रथ उभो राख्यो अने तरत छे ई किसान मतलब के खेडूत पासे गया। कहने लगा, भले आदमी तुम यो क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। એવું કહ્યું રાજાએ કિશન એટલે કે ખેડૂતને કે ભલા માણસ ક્યાંય સ્ત્રીને બળદની જગ્યાએ હળમાં ખેંચાય છે? કિશનને કહા, મેરા એક બેલ મર ગયા હૈ, દૂસરા બેલ ખરીદને કે લિયે મેરે પાસ ધન નહીં હૈ, અગર ખેત ના જોતા તો મેં ખાઉંગા ક્યા? એ ખેડૂતે કહ્યું કે મારો એક બળદ છે ઈ મરી ગયો છે અને બીજો બળદ છે એ ખરીદવા માટે મારી પાસે પૈસા નથી, અગર જો હું ખેતર ના ખેડું તો હું ખાવ શું? એવું કહી કિશન પુનઃ અપને કાર્યો મે લગ ગયા। ખેડૂત છે એ ફરીથી પોતાના કામે લાગી ગયો। ઉસે ક્યા પતા થા કે ઉસે બાત કરને વાલા કોણ હે? કે તેને શું ખબર હતી કે તેની સાથે જે વાત કરી રહ્યા છે તે કોણ છે? રાજાને કહા, અરે ભાઈ જરા સુનો તો। રાજાએ કહ્યું, અરે ભાઈ જરા સાંભળ તો, જો કઈ ના હે મેરે સાથ ચલતે ચલતે કહો, મેરે કામ ક્યો રોકતે હો? કિશાનને કહા કે તમારે જે કઈ કેવું હોય એ મારી સાથે ચાલી ચાલીને કહો, મારું કામ શુકવાને રોકો છો? રાજા ભોજ ઉસકે સાથ સાથ ચલને લગે કે રાજા ભોજ હતા એ ખેડૂતની સાથે ચાલવા લાગ્યો। અપને કામ કે પ્રતિ કિસાન કી લગન દેખ કર રાજા ભોજ બહુત પ્રભાવિત હુએ। કે પોતાના કામ પ્રતિ આટલી લગણી જોઈ અને રાજા ભોજ છે એ ખૂબ જ ખુશ થયા। વહ બોલે, ભલે આદમી ઈસ પ્રકાર તો તુમ્હારી પત્ની થક જાયેગી और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। के राजा बोल छे ई खेडूत ने कह्यो के आवी रीते तो तारी पत्नी छे ई थाकी जासे अने थाकी जवाने लीधे बीजू काई काम करी सकसे नहीं।
विशान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। के विशान बोलियो के तुम्हें बताओ के हवे हूँ शू करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा ये कहियो के तू मारी साथे चल, मारो एक बड़द छे हूँ तने आपी दऊं छूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़े तुम ही बैल ला दो। किशन ने बोला, तो परंतु आटला समय में मारो काम रोकाई पड़े, इना करता एवज करो ने के तमे ज लई आवी आपो ने। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। सारू एवो करो के तारी पत्नी छे इने रथ पासे मोकली दे, वह मेरी पत्नी से बेल ले आएगी। ते तारी पत्नी छे ई मारी पत्नी पासे थी बड़द ले आवसे, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा के त्यां सुधी हूँ हल खेचू छू। किशन इस बात पर राजी हो गया, खेडूत छे ए आ वात पर राजी थई गयो। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। ते राजा भोज छे ई हल खेचवा लाग्या अने तेनी किसान नी पत्नी छे ई रथ पासे चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी के खेडूत नी पत्नी छे ए रानी ने बधी वात बताई दी थी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। के रानी छे के किशन ने पत्नी नी बधी वात सांभळी अने कह्यु के तुम्हारो बड़द छे ई तो खूब ज कमजोर होसे के शक्ति वगर नो होसे, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। के तुम्हारो बड़द छे ई हमारा बड़द साथे नहीं चाली सके, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ, एटला माटे तमे बन्ने बड़द लई जाओ। किशन की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। खेडूत की पत्नी हती ए बन्ने बड़द लई अने खेतरे पहुंची। किशन बहुत प्रसन्न हुआ, खेडूत छे खूब ज खुश थई गयो। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। राजा भोज हता एने खेडूत ने कह्यु के क्यारे तुम्हारे काई परेशानी होय तो मारी पासे आवजो। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया, तो किशन बहुत शर्मिंदा हुआ के एवू कही अने राजा भोजे पोतानो परिचय आप्यो, तो किशन छे खेडूत छे ए पोतानो माथू झुकाई गयु। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, खेडूत छे एने राजा पासे वारंवार माफी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए के राजा हता ई खुश थई अने त्यांथी वया गया। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई के ते वक्ते खेडूत ना खेतर मा सारो एवो पाक आव्यो। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा के तेनी खुशी नो पार न रह्यो। उसने जब देखा के खेत के जितने हिस्सों में राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे और बाकी हिस्सों में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे, के जरे एने खेतर में जोयो तो एने आश्चर्य थयो के जेटला भाग नी अंदर राजा भोजे हल खेची हतु एटला भाग में मोती उग्या हता ने बाकी ना हिस्सा એટલે કે બાકી ના ભાગ ની અંદર સરસ ઉંદા પ્રકારના એટલે કે ઉત્તમ પ્રકારના ઘઉં ઉગ્યા હતા। કિશન બહુત પ્રસન્ન હુઆ, ખેડૂત તો એ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો। કિશન ને સારે મોતી એકઠે કીએ ઓર રાજા ભોજ કે પાસ જા પહોંચા। ખેડૂત તો એ બધાય મોતી ભેગા કરી અને રાજા ભોજ પાસે પહોંચી ગયો। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि जेटला बधा मोती भेगा करिया हता ए बधा भेगा करी अने राजा भोज पासे आव्या अने तेना चरणों में मुकी दीधा अने जे कहानी हती ई बधी कहानी एने संभळावी। राजा भोज ने कहा, ये मोती तुम्हारी खेत में उगे है, इन पर तुम्हारा हक है। કે રાજાએ ખેડૂતને કહ્યું કે આ તો તારા ખેતરમાં ઉગ્યા છે, આમાં તારો જ અધિકાર છે, એને
तुम्ही अपने अधिकार में रखो। क्या तारा अधिकार ना छे એટલે તારા અધિકાર માટે તું રાખ। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। कि आमा तुम्हारो जो अधिकार छे, खेडूते कहियो तो ये वो पाछो ले जाए नहीं, ये तुम्हारा परिश्रम मतलब कि तुम्हारी ज मेहनत नो फल छे। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। खेडूते कहियो के मारी प्रार्थना छे के तमे आ छे ई राजकोषना खजानानी अंदर जमा राखो अने गरीब लोगों माटे तेनो उपयोग करो। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। फिर खेडूतनी वात सांभळी राजा बहुत खूब ज खुश थई गया अने तेणे मोती स्वीकार कर लीधा। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। प्रजावत्सल એટલે કે પ્રજા પ્રેમી, સ્વયં એટલે ખુદ, ભ્રમણ એટલે કે ફરવું, અત્યાચાર એટલે જુલ્મ, જૂતા એટલે ખેડું, પુનઃ એટલે ફરીથી, હક એટલે અધિકાર, થકાવટ એટલે થાકી જવું, રાજી એટલે ખુશ, દિક્કત એટલે પરેશાની, હિસ્સે એટલે ભાગ, ઉમદા કિસ્મ એટલે ઉત્તમ પ્રકાર, દેહ એટલે કોણ, કિસ્સા એટલે કહાની, પરિશ્રમ એટલે મહેનત। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપકો યે પાઠ और पाठ के શબ્દ સમજ મે આ ગયા હોગા। ફિર મિલેંગે, ધન્યવાદ।